एसएससी की तरफ से देखिए नोटिस जारी हुआ है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 क्या नोटिस है वो आपको दिखा देते हैं। काफी कैंडिडेट्स के मैसेज आ गए कि एक नोटिस आया है उसके बारे में बताइए। तो नोटिस कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ हमारे साथियों ने कहा था कि क्या फॉर्म फिल करना रोक दिया गया? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। नोटिस क्या है आप देख लीजिए। नोटिस है कि एसएससी की तरफ से कहा गया है इम्पोर्टेंट नोटिस फाइल नंबर, ये फाइल नंबर है रिक्रूटमेंट का, सो एंड सो इट इज हेयर बाय रिपीटेड दैट कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 शुड सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट दैट इज 31 दिसंबर 2023। एसएससी का ये कहना है कि कैंडिडेट्स को आगाह किया जाता है कि वो अपना फॉर्म 31 दिसंबर 2023 जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले सबमिट कर दें। लास्ट मोमेंट में भी हो सकता है कि ड्यू टू हैवी ट्रैफिक साइट रुक सकता है, किसी तरीके से आप लॉग इन ना कर पाए। काफी कैंडिडेट्स पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लॉग इन नहीं कर पाए थे। तो जहां देखिए 35 लाख 40 लाख 50 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं वहां पर ये ऐसा कुछ कैंडिडेट्स के साथ हो जाता है। तो आप लोगों को एसएससी ने अपनी तरफ से आगाह किया है और साथ में ये भी कहा है कि कैंडिडेट्स आर फर्दर कॉशन दैट नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि किसी भी परिस्थिति में फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। सावधान किया गया है आपको, 13/12/2023 का नोटिस है। तो नोटिस है फॉर्म फिल करने के संबंध में। जो आप लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या है नोटिस, नोटिस के बारे में आपको बता दिया। आप फॉर्म फिल कर दिया है आपने, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो आज नहीं, अब अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।